हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। और आज महाशिवरात्रि है और आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, अभी जस्ट सो के उठी हूँ, 7 बज रहे हैं। और बस अब मैं नहा धो के मंदिर जाएंगे और आज मेरा फास्ट भी है, और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ अपना आज का पूरा दिन रूटीन शेयर करूंगी मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, उसके बाद दोबारा आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ और हम दोनों मंदिर जा रहे हैं। ये मैंने ले लिया है पूजा करने के लिए सामान, थोड़ा सा लेट हो गया, हालांकि वहाँ पे काफी भीड़ मिलने वाली है, बहुत भीड़ होगी। हाँ, अगर सुबह जाते तो अच्छा रहता, थोड़ा जल्दी जाना था, लेट हो गए। चलो गाइस, चलते हैं मंदिर। तो फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर में से पूजा करके आ गए और बहुत ज्यादा भीड़ थी, जैसा सोचा था वैसे ही हुआ, काफी भीड़ थी। तो मेरी माँ की पूजा तो हो गई, अब हम अपने मंदिर में पूजा कर लेते हैं और उसके बाद मैं जल दे दूंगी ऊपर भी, क्योंकि अपने मंदिर में भी पूजा करना बहुत जरूरी है। तो मैं पूजा कर लेती हूँ। तो गाइस, हमने पूजा भी कर ली है और मैंने सूर्यदेव को जल भी दे दिया है। और आप लोग सोचेंगे कि मैं मंदिर की वीडियो क्यों नहीं बनाई, तो हम लोग इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी फ्रेंड्स, पैर रखने की जगह भी नहीं थी। आप तो समझ ही सकते हैं ऐसे मौकों पे कितनी भीड़ होती है मंदिरों में। तो फिलहाल सब कुछ हो गया है और अब मुझे भी बहुत भूख लगी है, तो कुछ मैं भी अपने खाने की तैयारी करती हूँ और देखती हूँ क्या खाने वाली हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, अब मैं भी खा रही हूँ और मैं दूध और मैंने केला लिया है, बस दोपहर तक का यही हो जाएगा क्योंकि शुरुआत तो मीठे से करते हैं। सो मैं वही खा रही हूँ और दोपहर को देखती हूँ क्या बनाना है। तो फ्रेंड्स, मैंने लिया है दूध और ये एक केला लिया है क्योंकि फास्ट में कम ही खाते हैं, नहीं तो फिर फास्ट ही का ही बात का रह जाएगा। और तो बस इतना ही काफ़ी हो जाएगा, केला तो काफ़ी हैवी हो जाता है, सो एंजॉय करती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, अब हो गई दोपहर और अब मुझे काफी तेज भूख भी लग गई है। तो सुबह मैंने दूध और बनाना खाया था, तो अब मैं छोंक रही हूँ नमक के आलू, क्योंकि हम शुरू से ही दोपहर में भी नमक खा लेते हैं, मतलब ससुराल से ही। तो मैं नमक के आलू बना रही हूँ बरत के, तो चलिए बना लेती हूँ। तो पहले डाल रही हूँ मैं घी, जीरा, हरी मिर्च और अब डाल दूंगी आलू और साथ में मैं डाल दूंगी धनिया पत्ता और अदरक वाला नमक। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे आलू और दही, और बस अब इंतजार किस बात का, अब मैं खाने जा रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया है पहले ही, और बस अब मैं भी खाने जा रही हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अब हो गई है रात और हो गया डिनर का टाइम, तो डिनर में मैं बनाने वाली हूँ आलू की सब्जी और कुट्टू की पूरी। तो चलिए फटाफट से तैयारी कर लेती हूँ।
है, सब्जी तो बन गई है और अब मैं आटा मल के पूरियों की तैयारी करती हूँ। आज मैं आपको एक नए तरीके से पूरी बनाना सिखाऊंगी। आप में से कुछ को तो आती भी होगी, तो मैं पूरी जो कुट्टू और मक्के की होती है रोटी, वो आसानी से बनती नहीं है, तो मैं उसमें पिन्नी लगा के तब यूज़ करूँगी। तो चलिए दिखाती हूँ आपको वो ट्रिक अपनी, काफ़ी किफ़ायती है और आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने पिन्नी अच्छे से साफ कर ली है और हाथों पर हल्का सा घी लगा के उसके बाद इसे पन्नी के अंदर रखेंगे। सो गाइस, मेरा खाना बन चुका है और मैं पापा जी को दे आई हूँ। भगवान जी को भोग लगा दिया है और अब मैं खभी खाने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मेरे पूरे दिन का रूटीन। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ कहना हो तो कमेंट करके ज़रूर कहें। और फ्रेंड्स, आप लोगों को दोबारा से शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।